वेलकम टू सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सो गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, जो अभी ठंडी का मौसम आ रही है और बाइक में एक ठंडी का मौसम में एक प्रॉब्लम होता है, जो जब भी सवेरे बाइक को निकालते हैं तो बाइक का जो पिकअप है ठीक से नहीं लेता है। जो हम लोगों का जो स्लोपर, जैसे कि RPM हम लोगों का स्लोपर रहता है तो बाइक झटका देता है, और कभी कभी ये होता है जो हम लोगों का चोक होता है ना, तो चोक को हम लोगों को जैसे कि 1 मिनट हो या 2 मिनट हो चोक करके गर्म करके बाइक को, इंजन को गर्म करके रखते हैं। इंजन गर्म होता है तब बाइक ठीक चलता है। तो गाइस, आज का वीडियो का जो टॉपिक है, हम आपको बताएंगे सही तरीका, जो अगर आपका बाइक भी प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे कि ठंडी के मौसम में बाइक निकाल रहे हो और बाइक में पिकअप जब दे रहे हो तो पिकअप बैठ रहा है, बुड़ 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 कर रहा है, जैसे कि झोंक मार रहा है, मिसिंग कर रहा है। तो गाइस ये बताएंगे, अगर आपके पास, अगर आप मैकेनिक हो और आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम लेके आते हैं तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं जो हम कैसे इस बाइक को ठीक करें, तो हम आपको आसान तरीका बताएं, आप लोग 100% बाइक ठीक होगा। अगर आप लोग मेरा चैनल पर पहली बार आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लाइए। तो गाइस, कभी कभी ऐसा होता है जो बाइक में हम लोग ट्यूनिंग करते हैं तो बाइक, जैसे कि सवेरे, तो अगर हमारे पास बाइक रहेगा तो सवेरे हम ट्यूनिंग कर लेंगे, बट कस्टमर अगर प्रॉब्लम बोलते हैं कि भाई हम सब सवेरे बाइक को निकालते हैं तो बाइक में हम लोगों का पिकअप प्रॉब्लम आ रही है, झटका दे रही है, गर्म करने में हमको 5 मिनट लग जाता है, तो इस बाइक में थर्मल सेंसर तो है नहीं, चोक करके हमको, हम लोग गर्म करते हैं। अब हम आपको आसान तरीका बताएंगे बगैर चोक करे बाइक सही चलेगा ठंडी का मौसम में, लेकिन आप लोगों को तरीका और अनुभव होना चाहिए। वो अनुभव तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी कोई भी कस्टमर आपके पास बाइक लाते हैं और बोलते हैं, तो उसको बोलिए भाई मुझे बाइक का ट्यूनिंग सवेरे करना है, जब बाइक मेरा प्रॉब्लम कर रहा है उसी वक्त काम करना है। तब वो बोलेगा कि भाई इस बाइक को मैं आपको देखे जा रहा हूँ, आप करके रखिए। तो गाइस, ये वीडियो हम बना रहा हूँ इसलिए, जो बाइक में जो इंजन होता है ठंडी के मौसम में, इसका जो एयर मिक्सिंग है अलग है, और गर्मी के मौसम में एयर स्क्रूप जो है सिस्टम, ये अलग है, क्योंकि इंजन जब ठंडी रहती है तो जो एयर मिक्सिंग का नाट है, इसको एयर और पेट्रोल अलग से चाहिए, अलग हिसाब से। तो जब इंजन ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो उस वक्त क्या होता है, इंजन में जब हम लोग एग्जॉस्ट से जब हम लोगों का फ्यूल या पेट्रोल जाती है तो मैच नहीं खाती है, तो उसका कारण होता है क्या, बाइक में जब इंजन ठंडा रहता है तो पिकअप ठीक से नहीं हम लोगों का कवर कर पा रहा है। तो हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जो ठंडी के दिन में अलग से हम लोगों को ट्यूनिंग करना पड़ेगा और गर्मी के मौसम में अलग, क्योंकि जो हम लोग का इंजन का तापमात्रा रहता है वो हीट से चलता है, और जब ठंडी रहता है तो उस हिसाब से हम लोग को एयर और पेट्रोल अलग से हिसाब से देना पड़ेगा। तो जब भी हम लोगों का प्रॉब्लम कर रहा है इंजन, तो आपको समझ लेना चाहिए ये प्रॉब्लम है एयर मिक्सिंग का, तो आपको उसी वक्त करना चाहिए जब बाइक ठंडी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सवेरे, और वो सवेरे आपको वो मेंटेनेंस करना है, तो सबसे पहले आप सवेरे जाइए और उस बाइक में, जैसे कि जो भी बाइक रहे, जैसे कि ग्लैमर, सुपर स्प्लेंडर, जो कार्बोरेटर जिस बाइक में है, तो उस बाइक का इंजन स्टार्ट कीजिए और ट्यूनिंग एडजस्ट कीजिए, जैसे कि सवेरे जब फर्स्ट टाइम सवेरे बाइक निकालते उसी वक्त आपको ट्यूनिंग करना पड़ेगा। स्टार्ट करने के बाद RPM थोड़ा हाई कर देंगे और जो RPM का नाट है इसे हाई लो करेंगे। तो चलो हम आपको बताते हैं कि आप क्या करेंगे, हम आपको बताते हैं। जब भी सवेरे बाइक पहला टाइम स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको हम तरीका बताते हैं, जैसे कि बाइक को इग्निशन ऑन किया, करने के बाद बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट करने के बाद जैसे कि RPM थोड़ा हम दे रहा है, ठीक है, RPM दे रहा है, अब यहाँ पर हल्का करके दे रहा है तो बाइक का RPM नहीं बढ़ रहा है, जैसे बुड़ 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 कर रहा है और थोड़ा स्लो हो रहा है, तो उसी जगह पर हम ये जो एयर मिक्सिंग का नाट है इसे हम थोड़ा टाइट करेंगे, ठीक है, इस तरह से टाइट करेंगे या ढीला करेंगे। सबसे ज़्यादा बेहतर RPM जहाँ आएगा उसी जगह हम ठंडी के
जब इंजन ठंडा रहेगा उसी वक्त अगर हम लोग आरपीएम मिलाए तो हम लोगों का स्लो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और इंजन को गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं, चोक भी करने का ज़रूरत नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, आरपीएम का नाट को थोड़ा हाई कीजिए, ज़्यादा नहीं, और इस ये जो हम लोगों का यार्मिस्किंग का नाट है इसे थोड़ा टाइट करके देखिए, ठीक है, ढीला करके देखिए। हम लोग का आरपीएम, बेस्ट आरपीएम कहाँ आता है, और जैसे कि बाइक में कोई झटका नहीं होता है, जैसे कि कोई स्लो में जैसे कि प्रॉब्लम नहीं होता है, उसी तरह सबसे रखना है। तो चलिए हम थोड़ा इस बाइक का फ़िलहाल आरपीएम टेस्ट कर लेता हूँ। जब भी मैंने हाथ दिया है तो इसी जगह पर मेरा आरपीएम मुझे बेस्ट आया। अब क्या है, जब भी आप लोग मिलाए और आरपीएम हाई हो जाए तो आहिस्ता 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 करके इसे आप लोग ढीला कर दीजिए और प्रॉब्लम 100% आपका सॉल्व हो जाएगा। मैंने इस तरह का बाइक काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया था। BS4 बाइक में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा था। एक मैकेनिक ने क्या किया, वाल्व चेंज कर दिया, एयर फिल्टर चेंज कर दिया, कार्बोरेटर चेंज कर दिया, प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हुआ। तो मैंने सोचा इसके लिए एक वीडियो बना दूँ और आप लोगों को बता दूँ। जो ठंडी का मौसम आ रही है और बाइक में चोक का प्रॉब्लम होता है, जिस बाइक में चोक नहीं है वो क्या करेगा, तो आपको तरीका बताया, जो RPM का नाट को उसी वक्त आप एडजस्ट करो जो एयर मिस्किंग का नाट है। जो बाइक सवेरे जब बाइक निकालते हैं और पहली बार स्टार्ट करते हैं उसी वक्त आप लोगों को ट्यूनिंग करना पड़ेगा और बाइक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहते और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।